गाइस, आज मेरे पास एक ऐसी बाइक है जो कि 100 से लेकर 110 सीसी सेगमेंट में ये बाइक सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो आज मैं दोस्तों बात करने वाला हूँ हीरो की स्प्लेंडर प्लस के बारे में, जो कि आज मैं आप लोग को इस वीडियो में इस बाइक के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। इस बाइक का प्राइस, माइलेज, सारा स्पेसिफिकेशन, क्या कुछ फीचर्स आप लोग को देखने को मिलने वाला है, वो सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों मैं आप लोग को ये भी बता देता हूँ कि ये जो बाइक है ये 2022 की मॉडल है, तो इसमें जो है दो बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं कंपनी की ओर से, तो उसके बारे में भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के सिनेमैटिक शॉट के साथ। तो गाइज, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि ये कौन सी वेरिएंट है और इसकी क्या प्राइस है। तो ये जो वेरिएंट है ये अलॉय व्हील सेल्फ स्टार्ट विद i3s है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं i3s और सेल्फ स्टार्ट के साथ ये बाइक आती है, जिसकी प्राइस 78,758 रुपीस, यानी कि 78,758 रुपये इस बाइक की जो है ऑन रोड प्राइस है हमारे इलाके में। तो गाइज, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस बाइक की फ्रंट से। तो फ्रंट में आप लोग देख सकते हैं इस बाइक में जो है आप लोगों को हेलोजन का हेडलैम्प देखने को मिलता है। इसकी जो वाइजर पे है दोस्तों वो आप लोग को हीरो की ब्रांडिंग और स्प्लेंडर प्लस की आप लोग को यहां पर स्टिकरिंग भी देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आप लोग इस बाइक का जो कलर देख रहे हैं ये जो है पर्पल कलर है, एंड इसमें जो आप लोग को मल्टीपल कलर देखने को मिल जाते हैं। एंड फ्यूल टैंक पे देखें तो फ्यूल टैंक जो है इस बाइक का काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है, जिसमें कि आप लोग को काफ़ी बड़ी सी यहाँ पर एक ग्राफिक्स देखने को मिलने वाली है, और इस पर जो है आप लोग को हीरो की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी, साथ में यहाँ पर हीरो का लोगो भी देखने को मिल जाएगा। साइड पर आए तो साइड पैनल पर जो है आप लोग को इस बाइक में 3D में लिखा हुआ देखने को मिलेगा, जो कि हीरो स्प्लेंडर का आप लोग को यहाँ पर दिया गया है बैजिंग। उसके नीचे आप लोग को i3s भी देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ आप लोग इस बाइक का साइड लुक देखेंगे तो गाड़ी जो है देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, काफ़ी ज़्यादा छोटी लग रही है। एंड छोटी होने से वजह से क्या है कि दोस्तों आप लोग इस बाइक को जो है सिटी वगैरह में काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आप लोग इस बाइक का रेयर का लुक देखें तो रेयर में जो है आप लोगों को हेलोजन का टेल लाइट देखने को मिलेगा, हेलोजन का आप लोगों को इंडिकेटर भी देखने को मिलेगा, साथ ही इस बाइक में आप लोगों को मेटल का जो है ग्रैब रेल भी देखने को मिल जाता है। सीट की ओर देखें तो गाड़ी में जो है आप लोगों को सिंगल सीट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है। मैं आप लोग को रियली बता रहा हूँ कि मैंने इसे अभी थोड़ी देर पहले राइड किया है, इसका जो सीट है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। 100 सीसी सेगमेंट में जो है इस बाइक में जो कंफर्ट आप लोग को देखने को मिलने वाला है वो आप लोगों को किसी भी बाइक में देखने को नहीं मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें जो है आप लोगों को 9.8 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। एंड इसी के साथ इस बाइक की मैं आप लोग को माइलेज बता दूँ तो माइलेज जो है इस बाइक का कंपनी क्लेम करती है 60+, तो आप लोग को इस बाइक में जो है 60+ तो ईजिली आप लोग को माइलेज देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ हम लोग फ्रंट टायर की बात करें तो फ्रंट में सबसे पहले तो आप लोग को इस बाइक में अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं, जो कि 18 इंच का अलॉय व्हील है। इस बाइक में जो है आप लोग को ट्यूबलेस टायर भी देखने को मिलती है। एंड टायर साइज़ की बात करें तो इसमें जो है आप लोग को 80/100 सेक्शन का टायर साइज देखने को मिल जाता है। इसी के साथ ब्रेक की बात करें तो ब्रेक जो है आपको इसमें ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा, जिसका साइज दोस्तों 130mm है। फ्रंट का जो मडगार्ड है वो आप लोग को ब्लैक आउट कलर में देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं इस बाइक की रेयर व्हील की ओर, तो रेयर व्हील पे भी दोस्तों आपको इस बाइक में सेम वही व्हील देखने को मिलता है जो कि फ्रंट में देखने को मिलता है। सेम वही व्हील आप लोग को इस बाइक में रेयर में भी देखने को मिलेगा, जो कि 18 इंच का अलॉय व्हील है, ट्यूबलेस टायर है, जो कि 80/100 सेक्शन का इसका टायर साइज है। रेयर में भी आपको सेम 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा। साइलेंसर की बात करें तो साइलेंसर जो है इसमें आप लोग को ब्लैक आउट कलर देखने को मिलता है, उसके ऊपर जो है मेटल का आप लोगों को मफलर कवर भी देखने को मिल जाता है। और वेट की बात करें तो वेट जो है गाड़ी का ज़्यादा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, जो कि 110 kg की ये बाइक है। एंड 110 kg है, उसकी वजह से क्या है कि गाड़ी आप लोगों को अच्छी माइलेज निकाल के देगी, जो कि माइलेज तो मैंने आप लोग को बता दिया, जो कि 60+ आप लोग को ईजिली इस बाइक से देखने को मिल जाएगा। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो गाड़ी में आप लोग को 165mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जो कि अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है, आप लोग देख ही सकते हैं। साथ ही व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस जो है इस बाइक में आप लोगों को 1236mm का व्हील बेस देखने को मिलेगा, जो कि ज़्यादा लंबा नहीं है, तो आप लोग सिटी वगैरह में इस बाइक को इजीली तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। और इसी के साथ मैं आप लोगों को इस बाइक के इंजन के बारे में भी बता दूं तो इंजन जो है इस बाइक में आप लोगों को 97.2 cc का देखने को मिलेगा, जो कि एयर कूल्ड इंजन है। साथ ही इसकी मैक्सिमम पावर की बात करें तो 7.91 आपको bhp की पावर देखने को मिलेगी, और टॉर्क की बात करें तो 8.05 Nm का आप लोग को इस बाइक में टॉर्क देखने को मिल जाएगा, जो कि इस बाइक में आप लोगों को अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक पावर देखने को मिल जाता है। और टॉप स्पीड की बात करें तो
टॉप स्पीड जो है इस बाइक का 90 प्लस का क्लेम किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि इस बाइक में जो है आप लोगों को दो नए फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि 2022 वाले मॉडल में देखने को मिलने वाले हैं, वो है दोस्तों साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर। जी हाँ दोस्तों, इस बाइक में यानी कि आप सोच सकते हैं 100 cc सेगमेंट में आप लोगों को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब मैं दिखा भी देता हूँ कि इस बाइक का साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर कैसे काम करता है। सो गाइज, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो है बाइक को स्टार्ट कर दिया है एंड जैसे ही मैं इस बाइक का गियर लगाऊंगा दोस्तों बाइक जो है ऑफ हो जाएगी। आप लोग देखिएगा, आप लोगों ने देख लिया दोस्तों, मैंने जैसे ही जो है गियर लगाया ये जो बाइक है ऑफ हो गई। तो साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी पर्पज़ के लिए काफ़ी सही चीज़ है। इसी के साथ सेकंड जो आप लोगों को नया फीचर्स देखने को मिलने वाला है वो है दोस्तों इस बाइक का चार्जिंग पॉइंट। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस बाइक में जो है आप लोग को USB केबल यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं USB आप लोग को पोर्ट देखने को मिलने वाला है जिससे कि आप लोग फ़ोन वगैरह को यहाँ पर इजीली चार्ज कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों इस बाइक का दो नए फीचर्स एंड इसी के साथ इस बाइक में आप लोगों को 4-speed गियर बॉक्स का सेटअप देखने को मिल जाएगा जो कि चारों के चारों गियर जो है पीछे लगते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं मेरे फेवरेट पार्ट की ओर जो कि है हैंडल बार एंड मीटर कंसोल। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो आप लोगों को हैंडल बार देखने को मिलने वाला है वो आप लोगों को नॉर्मल स्ट्रीट हैंडल बार देखने को मिलने वाला है। जिसकी स्विचेस की बात करें तो स्विचेस की क्वालिटी भी यहाँ पर ठीक ठाक रखी गई है। नीचे आप लोग को हॉर्न देखने को मिलने वाला है, इस साइड पे आप लोग को लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर, यहाँ पर आप लोगों को हाई बीम लो बीम देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ इस साइड में आप लोग को I3S की बटन है, नीचे जो है यहाँ पर आप लोग को सेल्फ स्टार्ट की बटन भी दी जाती है एंड इस बाइक में आप लोग को किक स्टार्ट तो देखने को मिलने ही वाली है। इसी के साथ दोस्तों मीटर की बात करें तो मीटर आप लोग को इसमें नॉर्मली दिया गया है जो कि एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलता है। इस साइड में आप लोग को यहाँ पर स्पीडोमीटर दिया गया है, उसके नीचे आप लोग को किलोमीटर एंड नीचे जो है यहाँ पर आप लोग को साइड स्टैंड की इंडिकेशन दी गई है। इसके बगल में आप लोग को I3S की इंडिकेशन, इस साइड में आप लोगों को न्यूट्रल की इंडिकेशन, यहाँ पर आप लोगों को इंजन चेक लाइट एंड इस साइड में हाई बीम की इंडिकेशन देखने को मिल जाती है। ऊपर में आप लोगों को फ्यूल गेज की यहाँ पर इंडिकेशन दी गई है एंड यहाँ पर देखिए तो आपको हीरो की ब्रांडिंग भी दी गई है। नीचे आप लोगों को यहाँ पर टर्न इंडिकेटर का भी सिग्नल दिया गया है। तो मैं आप लोगों को इस बाइक का एक बार एग्जॉस्ट साउंड भी सुना देता हूँ एंड हॉर्न भी सुना देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस बाइक का हॉर्न सुना दूँ। तो हॉर्न जो इस बाइक का डिसेंट है, डिसेंट क्या, डिसेंट से थोड़ा सा अच्छा है, मतलब कि ठीक ठाक लाउड है। इसी के साथ मैं आप लोगों को इस बाइक का जो है एग्जॉस्ट नोट भी सुना दूं। तो इस बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, बाइक की इंजन भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्मूथ है। सो गाइज़, अब मैं अपना ओपिनियन देता हूँ कि इस बाइक को जो है कैसे लोगों को लेनी चाहिए। तो गाइज़ फंडा जो है यहाँ पर सिंपल है, इस बाइक को ऐसे लोगों को लेनी चाहिए जिनको कि माइलेज अच्छा खासा चाहिए, जो कि फैमिली पर्पज़ के लिए चाहिए एंड सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर मेंटेनेंस फ्री बाइक चाहिए, तो वो लोग इस बाइक को ले सकते हैं। इस बाइक की जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। इस बाइक की पार्ट्स वगैरह के भी प्राइस आप लोगों को पता है कितनी चीप है। हीरो का प्रोडक्ट है तो आप सभी को पता ही होगा कि इसकी जो है पार्ट्स वगैरह कितनी ज़्यादा कम प्राइस में मिलती है एंड सबसे बड़ी बात कि हीरो की जितनी भी बाइक है उनकी जो है पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा ईजिली मिल जाते हैं, काफ़ी जगह पे जो है वो अवेलेबल होते हैं एंड शोरूम में भी अवेलेबल होते हैं। तो हीरो का प्रोडक्ट है तो उसको लेकर जो है आप लोगों को यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हीरो का सर्विस तो हम सभी को पता ही है। तो इस बाइक को दोस्तों ऐसे लोग ले सकते हैं जिनको कि फैमिली पर्पज़ के लिए चाहिए, लो मेंटेनेंस फ्री बाइक चाहिए एंड इसी के साथ जो है अच्छा खासा माइलेज चाहिए, तो इस बाइक को जो है ले सकते हैं एंड इस बाइक की जो है राइड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा मस्त है, इसकी जो राइड है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो गाइज़, मैंने जो है अपना ओपिनियन इस बाइक को लेकर दे दिया। तो अगर आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो राइड सेफ।